कृषि कानूनों के खिलाफ हरियाणा और पंजाब के लाखों किसान दिल्ली जा पहुंचे हैं, जिसे लेकर अब विपक्षी दल भी सरकार को घेरने लगे हैं। इसी बीच कांग्रेसी युवराज राहुल गांधी ने ट्वीट कर पीएम मोदी पर निशाना साधा और कहा कि सरकार को ये काले कानून वापस लेने होंगे, क्योंकि यह तो सिर्फ शुरुआत है। राहुल गांधी के इसी बयान पर आज हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने जमकर हल्ला बोला। विज ने यहाँ पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह पर बरसते हुए कहा कि किसान बिल पूरे देश के लिए लाए गए हैं और पंजाब को छोड़कर पूरे देश के किसानों ने इसे स्वीकार कर लिया, लेकिन पंजाब में अमरिंदर सिंह की इंजीनियरिंग की वजह से यह आंदोलन हो रहा है। विज ने कहा कि केंद्रीय मंत्री ने किसानों को बातचीत के लिए बुलाया है और उन्हें उम्मीद है कि उन्हें बात समझ आ जाएगी। राहुल गांधी कह रहे हैं कि जब जब अहंकार सच्चाई से टकराया है, पराजित हुआ, मोदी सरकार को काले कानून वापस लेने ही है और ये सिर्फ शुरुआत है। देखिए, जो किसान बिल आए हैं वो सारे देश के किसानों के लिए आए, पंजाब को छोड़कर बाकी सारे देश के किसानों ने उनको स्वीकार कर लिया। अब पंजाब में राजनीतिक कारणों से अमरिंदर सिंह की इंजीनियरिंग की वजह से पंजाब के किसान आंदोलन कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री ने उनको बातचीत के लिए बुलाया है, उम्मीद है कि उनको भी बात समझ में आ जाएगी और ये मामला समाप्त हो जाएगा। देश की अर्थव्यवस्था को लेकर भी राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर निशाना साधा, जिसके जवाब में अनिल विज ने कहा कि अब ना जाने राहुल गांधी को कौन ज्ञान देता है और कौन आंकड़े समझाता है। विज ने कहा कि अब कोरोना से उभर कर देश पटरी पर लौट रहा है और धीरे धीरे देश की अर्थव्यवस्था भी सुधरेगी। अर्थव्यवस्था ने बाउंस बैक करा है, 24% से 7% माइनस पर आ गई है। अब राहुल गांधी को आंकड़े कौन समझाता है मुझको मालूम नहीं है, जब उनको ज्ञान भी है मुझको मालूम नहीं है। कोरोना चला है, सारे विश्व की आर्थिक व्यवस्था चरमराई है, ऐसे में भी हमारे हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था ने अंगड़ाई ली है और खड़ी हो रही है और बहुत उम्मीद है कि जल्दी ये पटरी पर आ जाएगी।